तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी में जो गूगल का प्ले सिस्टम रहता है दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट आया। नए अपडेट में कितने एमबी का अपडेट है और उसके बाद क्या नए चेंजेस होने वाले हैं, सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट है सबसे पहले आपको मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लेते। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे। मैं आपको बता रहा हूँ गूगल का प्ले सिस्टम 2024 के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले जाना आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। मोबाइल की सेटिंग्स में जाने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ जाना है सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे चले जाना है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है अपडेट्स वाले सेक्शन में, जो नीचे दिख रहा है ना अपडेट्स, आपको इसमें चले जाना है। जैसे ही आप उस पर अपडेट पर जाएंगे तो आपको जाना है यहाँ पर गूगल प्ले सिस्टम अपडेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे और वो चेक करेगा, फिर आपको बताएगा कि यार एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल है और इस अपडेट के बाद आपका क्या होने वाला है। अपडेट साइज 70 MB का है, लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट है, तो इससे आपकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव होगी। कुछ इन्हांस फीचर भी एड ऑन किए करे जाएंगे और आपके गूगल एंड्रॉयड है तो उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करी जाएगी। मेन यहाँ पर सिक्योरिटी का अपडेट बहुत अच्छा होता है और डिवाइस की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है। और इसमें साफ साफ के लिखा है इस अपडेट को करने के बाद आपका मोबाइल रिस्टार्ट होगा। तो पहले तो कर लेते हैं इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल और उसके बाद इसको कर लेते हैं रीस्टार्ट। तो फाइनली हो चुका है दोस्तों ये डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद तो आपसे बोल रहा है रीस्टार्ट करने के लिए। अब जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा मोबाइल रीस्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद वो वापस नॉर्मल चालू हो जाएगा और उसके अंदर उसका अपडेट हो जाएगा और डिवाइस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी या सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाएगी। इसको होने देते हैं। फाइनली दोस्तों ये हो चुका है रीस्टार्ट। अब रीस्टार्ट करने के बाद नॉर्मल जैसे कि अपडेट होता है वैसे ही, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट होता है मोबाइल का, सेम उसी की तरह यहाँ पर अपडेट हुआ है, पूरी तरह उसी की तरह बिल्कुल अपडेट होने में टाइम लिया है, मतलब पूरी प्रोसेस सेम ही हुई है। फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पर जाने के बाद वापस आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, एंड वहाँ जाने के बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ वापस अपडेट्स वाले सेक्शंस में। अपडेट वाले में पहले नवंबर 2023 दिख रहा था, अब जब जनवरी 1 2022 का दिख रहा है, 2024 का दिख रहा है और ये फुली अपडेटेड हो चुका है। अब इसके फायदे क्या है दोस्तों, गूगल का है तो गूगल के जो सिस्टम है वो अपडेट हुआ है, मतलब कि बैकग्राउंड में जो भी कुछ मालवेयर्स या जो भी कुछ ऐसे बक्सेज होंगे या सिक्योरिटी को हार्म कर रहे होंगे या कुछ ऐसा इश्यूज हो गए तो उसको यहाँ पर रेक्टिफाई कर दिया गया होगा और गूगल की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब यहाँ पर अच्छे से वर्क करने लगेंगी। कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो भी इम्प्रूवमेंट्स हो गई होगी। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर जाएंगे गूगल सर्विसेज में तो गूगल सर्विसेज के अंदर जो भी सर्विसेज हैं उसमें कुछ इश्यूज़ होंगे तो वो रेक्टिफिकेशन हो गए होंगे। और ये आपका मोबाइल भी एंड्रॉयड 14 है, मतलब एंड्रॉयड में ही चलता है, उससे रिलेटेड जो भी काम आपके डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम होगी वो रेक्टिफिकेशन हो गए होंगे, सिक्योरिटी इनहांस हो गई होगी, परफॉर्मेंस इनहांस हुई होगी। तो एक बार इसको थोड़ा सा अपडेट होने के बाद आप चालू करके फिर ट्राई करते हैं। तो फिलहाल अभी तो परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ नहीं लग रहा, बट ये हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद अगर आप इसको चलाएंगे तो ऑलवेड सही चलेगा और अपना जो मेन है यहाँ पर प्ले स्टोर, तो प्ले स्टोर में कुछ भी जो बक्सेस होंगे या कुछ ऐसी ऐप्स होंगी जो आपको हार्म कर रही होंगी वो भी सब यहाँ पर अपडेट हो गई होंगी। जैसे कि यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ जाने के बाद अगर आप देखेंगे प्ले प्रोटेक्ट पे, तो जो भी कुछ ऐप्स ऐसी होंगी जो हार्म करती हैं, जो प्ले प्रोटेक्ट वाला जो काम करता है ना मेन उसी के थ्रू ही काम करता है। प्ले जो गूगल की जो मैंने प्ले सर्विस अपडेट करी ना उसके थ्रू ही ये काम करता है, सारी ऐप्स को फाइंड करेगा, जो भी कुछ बक्सेस होंगे आपको यहाँ पर बता देगा या कोई भी जो भी प्रॉब्लम होंगी सब आपको यहाँ पर गाइड करके वो बता देगा। उसके अलावा भी यहाँ पर भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी अबाउट सेटिंग्स में जाके देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा कि आपके पास कौन सा वर्जन अपडेटेड है प्ले उसका, ये सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यही नया अपडेट था, इसको आपको अपडेट करते रहना चाहिए और रेगुलरली बार बार चेक करते रहना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो वो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट है सबसे पहले आपको मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।